जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जेएनयू गई तो वहाँ पे कुछ लेफ्ट के लोगों ने मुझे रोक कर वहाँ पे पीटना शुरू किया, यहाँ तक कि गाली गलौज की, बदतमीजी की। और जब मुझे वहाँ से बचा के कुछ एबीवीपी के लोगों ने जब मुझे लेके गए पेरियार, तो पेरियार में भी कम से कम 100-200 की भीड़ में वो लोग आए, आके मास्क पहन के डंडे लेके कमरे के अंदर घुसे और घुस के उन्होंने मेरे और मेरे साथ जितने मेरे साथी थे उनको पीटा, पीट के बाहर निकाला और बाहर भी उन्होंने हमें डंडों से पीटा। ये मेरे हाथ में डंडे लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया है, पट्टी बन गई है। और अभी हम लोग वापस कैंपस जाएं ना जाएं, बहुत इस तरीके की स्थिति हो गई है कि घर कि हम कैंपस शायद वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम जब भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं से कोई हमें इस तरीके से टारगेट करके फिर से पीटेगा। तो उसके बाद से जैसे वहाँ पे हम सबको मारा गया, जब हॉस्टल में आके बैठे तो हॉस्टल के अंदर इन्होंने चुन चुन के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक लाठी लेके मुंह पे नकाब बांध के मारा। मैं जिस कमरे में था उसको इतना बुरा, मतलब लोहे की रोड से पत्थर फेंक के पूरा कमरा तोड़ दिया और मेरे हाथ में बहुत चोट आई है, पूरे बदन में चोट है। आज का ये दिन था जेएनयू, बहुत काला दिन है। जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने का मन नहीं कर रहा है, छात्र को डर लग रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन ना हमारा कोई मदद कर रहा है। देखिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर भी इन वामपंथियों का इतना कहर है कि ये लोग हमारा रिपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं, हमारा इलाज तक नहीं कर रहे हैं। 3-4 घंटे से मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब तक कोई इलाज तक नहीं हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं ये सच्चाई आप सभी को आज जानने की जरूरत है। एबीवीपी सेक्रेटरी, आप देखेंगे जिस प्रकार से कल से पूरे जेएनयू में एक माहौल बना हुआ है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डांटा जा रहा है, जो आम छात्र रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है उसको डांटा जा रहा है। आज जब हमने कल दिल्ली पुलिस और प्रशासन को बोला कि हमें खतरा है इन लोगों से, तो इन्होंने तब तक हमें कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी। जब हम अपने कमरों में बैठे थे तो इन्होंने एबीवीपी के छात्रों का कमरा टारगेट कर करके पूरा कमरा तोड़ा, बुरी तरह से मुंह बांध के ताकि उनको पहचान नहीं सके, पत्थर फेंके गए, शीशे फेंके गए और हमको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि किसी प्रकार का सहयोग ना प्रशासन से मिला ना पुलिस से मिला है। पिछले 4 घंटे से हम लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर में बैठे हैं, यहाँ भी कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे वामपंथी और कांग्रेसी सांसद आके खड़े हो गए, वो लोग ना तो हमारा रिपोर्ट ठीक से बना रहे हैं ना हमारा इलाज ठीक से कर रहे हैं। कम आते हैं और जब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है तो ये वामपंथी लोग हमेशा ऐसे करते हैं, मगर इस बार का आज की घटना जो है वो विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना कभी हुई नहीं होगी। ये घटना आज जेएनयू में वामपंथियों के द्वारा हो गई है। वामपंथियों ने किया क्या आज? वामपंथियों ने सब जो लोग अलग विचारधारा के लोग हैं उनको भगा भगा के मारा। यह कभी विचारधारा नहीं हो सकती, ये विचारधारा हमेशा स्टालिन की होती है, ये विचारधारा हमेशा नक्सली विचारधारा होती है, जो विचारधारा हमेशा दूसरे विचारधारा को खत्म करने की बात करती है। ऐसी विचारधारा ये भारत में, जो भारत हमेशा सर्वधर्म समभाव की विचार रखता है और सभी विचारों को स्थान देता है, मगर ये भारत में ये वामपंथी लोग सिर्फ अपना ही विचार फैलाने की बात कर रहे हैं और उसका यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है जेएनयू। मगर आज की जो घटना है इसमें स्टूडेंट को मारे जाना ये सबसे गलत बात है। और सेकंड इशू जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बोलूँ तो जेएनयू को किसी ने मैंडेट दिया नहीं 100% कि आप सभी लोगों का ठेका ले और सभी लोगों को बोले कि रजिस्ट्रेशन ना करवाए। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की परमिशन उनको देनी चाहिए थी। शुरू में जो झगड़ा हुआ था उसको मैंने खुद सॉल्व किया था, उसके बाद इन लोगों ने 400-500 लोगों ने इकट्ठा आके ये सब बातें किया। ये सच्ची में है वामपंथियों का ये घिनौनापन कभी माफ किया नहीं जाएगा और इंडिया की जनता ये सभी बातों को देख रही है। यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि इन लोगों की घटिया पॉलिटिक्स करने के लिए आते हैं। तो इंडिया के सब बातों को ये ध्यान में रखना चाहिए।